नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अमरीश खारी आपका अपने चैनल डॉक्टर खारी पर स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम बात करेंगे जर्मन होम्योपैथिक मेडिसिन डॉक्टर रैकवैक R85 के बारे में। R85 हाइपरटेंशन यानी हाई बीपी के लिए पेशेंट को दी जाती है। दोस्तों आमतौर पर नॉर्मल ब्लड प्रेशर डायस्टोलिक 80 सिस्टोलिक 120 होता है, कभी कभी ये थोड़ा बहुत बढ़कर 130-140 तक भी चला जाता है। लेकिन दोस्तों हाई बीपी के पेशेंट में डायस्टोलिक प्रेशर 100 से ज़्यादा चला जाता है और सिस्टोलिक प्रेशर भी बढ़कर 150 क्रॉस कर जाता है। ये दोस्तों जानते हैं R85 हाई बीपी में कैसे काम करती है। दोस्तों हाई बीपी के लिए होम्योपैथी में जो मेडिसिन्स यूज़ की जाती हैं उनमें से कुछ दवाइयों का कॉम्बिनेशन R85 होता है। दोस्तों पहली मेडिसिन इसमें होती है एलियम सटाइवम, तो आप सबने सुना होगा लहसुन हाई बीपी के लिए रामबाण का काम करता है। होम्योपैथी मेडिसिन एलियम सटाइवम भी लहसुन से बनी होती है। यह मेडिसिन हाई बीपी को कंट्रोल करती है और हार्ट अटैक के खतरे से बचाती है। एलियम सटाइवम कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी कम करने में मदद करती है। अगली दवाई इसमें दोस्तों होती है सिट्रस मेडिका लेमोनम। दोस्तों यह दवाई नींबू से बनी होती है। यह मेडिसिन हाई बीपी के कारण हुई सूजन को कम करती है, साथ ही यूरिन से रिलेटेड समस्याओं को भी ठीक करती है। दोस्तों अगली दवाई इसमें डली होती है कोर। यह दवाई ग्लैंडुलर प्रॉब्लम में यूज की जाती है। कोर ग्लैंडुलर स्टिमुलेशन का काम करती है। दोस्तों अगली दवाई इसमें डली होती है काली आयोड। काली आयोड पोटेशियम को अब्जॉर्ब करती है, खाने से पोटेशियम को लेती है जो बॉडी के लिए ज़रूरी होता है। दोस्तों हाई बीपी के पेशेंट को शरीर में सोडियम कम रखना चाहिए और पोटेशियम की मात्रा ज़्यादा रखनी चाहिए। दोस्तों अगली दवाई इसमें डली होती है कालीफोस। कालीफोस मानसिक तनाव के कारण होने वाले हाई बीपी को क्योर करने में मदद करती है। दोस्तों अगली दवाई इसमें डली होती है रेन। रेन हार्मोनल संबंधित परेशानियों को ठीक करने में मदद करती है। दोस्तों अगली दवाई इसमें डली होती है टार्टरस। टार्टरस सिट्रस मेडिका की तरह हाई बीपी के कारण आई सूजन और यूरिन से रिलेटेड समस्याओं को ठीक करने में मदद करती है। लास्ट मेडिसिन दोस्तों इसमें डली होती है वैलेरियाना। वैलेरियाना मेडिसिन कामिंग इफेक्ट देती है, यानी हाई बीपी का पेशेंट बेचैन चिंतित रहता है, ऐसे रोगी में ये दवाई शांति प्रदान करती है। तो R85 में डली ये सारी दवाएं किसी भी कारण होने वाले हाई बीपी को कंट्रोल करती है और साथ ही हाई बीपी के कारण होने वाले सर दर्द और घबराहट को क्योर करती है। दोस्तों आइए जानते हैं R85 की डोजेज क्या होनी चाहिए। दोस्तों वैसे तो R85 की डोज पेशेंट की कंडीशन को देखकर दी जाती है, लेकिन अगर आप हाई बीपी से काफ़ी समय से परेशान हैं और आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल से ज़्यादा रहता है तो इसे आप दिन में 3 बार 1/4 कप पानी में 10-10 ड्रॉप्स डाल कर लें। दोस्तों सीवियर कंडीशन में इसकी दिन में 6 बार 5-10 ड्रॉप्स डाल कर लें। साथ में दोस्तों पोटेशियम रिच फूड खाएं, जैसे केला संतरा तरबूज आलू किशमिश पालक मटर मसूर की दाल अनार चुकंदर दही दूध, इन सब को अपनी डाइट में शामिल करें। ये सब पोटेशियम रिच फूड होते हैं। पोटेशियम रिच फूड नेचुरली आपके हाई बीपी को क्योर करने में मदद करती है। दोस्तों हाई बीपी में आपको कुछ फ्रेज भी करने होते हैं, जैसे सोडियम यानी नमक का खाने में इस्तेमाल कम करें, किसी भी तरह का अचार न खाएं। चाय और कॉफ़ी में मौजूद कैफीन बीपी को बढ़ाता है, तो चाय कॉफ़ी भी आपको हाई बीपी में नहीं लेनी चाहिए। फास्ट फूड और ऑयली फूड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाते हैं, जिससे बीपी बढ़ने का खतरा ज़्यादा बना रहता है। दोस्तों अगर आप हाई बीपी से लंबे समय से परेशान हैं और आप इसका होम्योपैथिक इलाज चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मुझसे संपर्क कर इलाज ले सकते हैं।